क्या पाकिस्तान कार्रवाई करेगा या यहां आप कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इस खुलासे के बाद पूरा सिनेरियो बहुत बदलता है, क्योंकि तब जब आप ब्लाइंडली ये कहते हैं कि आपके यहां पर आतंकवादी रहते हैं और तब जब आप सबूत के साथ आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, चीजें बहुत बदली हुई होती हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल SVP सिंह डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है, आरके यादव रॉ के पूर्व अधिकारी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, अचल मल्होत्रा पूर्व राजदूत हमारे साथ इस चर्चा में है और जावेद गफ्फारी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, अमजद अयूब मिर्जा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां के एक्टिविस्ट हैं, रहने को वहां नहीं मिलता क्योंकि उनको वहां रहने नहीं दिया जाता, इस समय किसी एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता जम्मू से लगातार आप तक जानकारी पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन अब इस खुलासे के बाद मैं सबसे पहले जनरल अशोक आपके पास आना चाहता हूं, कितना बदलता है सिनेरियो? सिनेरियो बहुत बदल रहा है, खासकर सबसे पीड़ा होती है मुझे इस बात की कि हम मोहम्मद यूसुफ शाह मोहम्मद को आज सैयद सलाउद्दीन के छद्मनाम से आगे बढ़ावा दे रहे हैं, जो उसने 12th सेंचुरी के क्रूसेडर के नाम पर रख रखा है। उसका पाकिस्तान और POK में होने का पुख्ता प्रमाण हम सब के पास में, देश के पास में मौजूद है। मेरा निजी कारगिल युद्ध के दौरान जो अनुभव रहा है और उसके बाद मेरी जो स्टडीज़ हैं भारत पाकिस्तान चाइना और चाइना पाकिस्तान के बीच के नेक्सस के बारे में, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि सैयद सलाहुद्दीन, मैं अब आपका नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, कि वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अपने जो दोस्त अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन उसामा बिन लादेन को वहां पे छुपा के रखा और उसके लिए अनजान बनता रहा, और तब तक अनजान बनता रहा जब तक कि उसका विनाश नहीं कर दिया गया, और इसलिए वो हमारे लिए तथ्यों को स्वीकार करे उसकी कोई भी संभावना नहीं है। पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है क्योंकि कश्मीर में स्थिति सुधर रही थी और खासकर स्थिति और भी वहां पर बदली हुई लग रही है पाकिस्तान में, जबकि 5 अगस्त को 370 वाले शुरू की कि देखिए किस तरीके से 12th सेंचुरी के क्रूसेडर के नाम पर उसने अपना नाम रख लिया है, यूसुफ शाह, जो कि कभी किसी समय चुनाव भी लड़ा था लेकिन चुनाव में मुंह की खाने के बाद उसको लगा कि हाँ चुनाव से तो दाल गलनी नहीं है, वो आतंकवादी बन गया। आतंकवादी तो वो बना लेकिन किसी खास तरह की स्थितियों में अपने दोनों बेटों को उसने सरकारी मुलाजिम भी बना दिया, हालांकि फिलहाल वो दोनों बेटे उसके जेल में हैं और वो खुद वहां पाकिस्तान में पनाह पाए हुए हैं। जावेद गफ्फारी के पास जाना था लेकिन सिग्नल आउट है, जाना चाहूंगा मैं इस समय अमजद अयूब मिर्जा के पास। अमजद अयूब मिर्जा, किसी बात को कहना और किसी बात को सबूतों के साथ बता देना फर्क तो पड़ता है। जी बिल्कुल, देखें गौतम आपने तो आज कमाल ही कर दिया, इतनी बड़ी न्यूज आपने ब्रेक की है और मैं चाहूंगा कि इसको अंग्रेजी में भी बताया जाए और इसको अमेरिकन जो है मीडिया को फॉरवर्ड किया जाए ये सेक्शन आपकी न्यूज का, क्योंकि इसके ऊपर, सिर्फ इस प्रोग्राम के ऊपर पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट कराने में बड़ी मदद मिल सकती है। मुझे आप देखें ना, ये कोई हमें हैरत भी नहीं होनी चाहिए, उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के बगल में छुपा के रखा हुआ अपने पास परों के नीचे, अब ये यूसुफ शाह जो है इसको भी दरियाफ्त किया है और ये G10 यानी के पॉश तरीन इलाका, महंगा तरीन इलाका, आप वहां शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए 100 दफा सोचे कि वहां 10% महंगा आइटम मिलेगा, वहां पे इसको रखा हुआ है। जैसा आपने कहा, ये पूरा एक रेडियस है पाकिस्तानी सेक्रेटेरिएट का, पाकिस्तानी सरकार का, उस रेडियस के अंदर उसको रखा हुआ है और जैमर्स लगे हुए वहां, खुदा करे कि ये पकड़ा जाए उससे बचने के लिए जैमर्स हैं कि फौरी तौर पर ये वहां पे जो है उसको बचाने के लिए आ सकते हैं, खुलेआम लोग उसको मिल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का कोई दहशतगर्द, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है, अगर कहीं आपको नहीं मिलता कि एक होता है कि आप किसी एक बात से रिमोटली जुड़े हुए हो। अमजद अयूब मिर्जा, मुझे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि क्या कंडक्ट और क्या कैरेक्टर होगा उस मुल्क का और उस मुल्क के महत्वपूर्ण लोगों का जो इतना साफ साफ अपने यहां आतंकवादियों को पाले हुए हैं, वहां से चीजों को होने दे रहे हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं, अमन की बातें करते हैं। जनरल सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, निश्चित रूप से आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन शुरू से है कि कौन कहां रह रहा है, लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आपके अपने सोर्सेस क्या बताते हैं सर, ये वहां पर ढके छुपे रहते हैं या डंके की चोट पर रहते हैं और इनको वहां की गवर्नमेंट पूरा एड
भी देती है, हेल्प भी करती है। मैं तो नहीं समझता कि छुपे रहते हैं, क्योंकि आईएसआई के डीजी ने इनको पिछले साल एक सर्टिफिकेट लेटर दी थी। उस ऑफिशियल लेटर में लिखा हुआ था कि हमारे ऑफिशियली एम्प्लॉयड है और इनकी गाड़ी कोई भी सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर नहीं रोकी जाएगी। तो इनको एक वीवीआईपी का संभाव दिया गया है। तो ऐसे जब वीवीआईपी का दिया जाता है तो छुपने की इतनी जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है कि इसकी एक स्टेटमेंट थी। सर ये जगह कुछ बताती है, जनरल सिंह आप ही की बात को एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि आप इसको और इलेबोरेट कर सकें। G10 में, सेक्टर G10 में उसको रिहाइश के लिए जगह मिली हुई है, ये अपने आप में कुछ बताता है सर? रेड जोन के इतना करीब उसको ठिकाना मिलना, ये जैसे उसामा बिन लादेन को रखा हुआ था उन्होंने रावलपिंडी GHQ के पास, वैसे ही इसको रखा हुआ हाई सिक्योरिटी जोन में, ताकि इनकी पूरी मतलब एक तरह की सुरक्षा भी रहे। पर आपने बताया जैसे इनका हेडक्वार्टर है मुजाहिदीन का, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, वहां पे जो मूवमेंट करनी है, ऑपरेट करना है, तो उसको पूरी सिक्योरिटी के साथ, जैसे वीवीआईपी सिक्योरिटी के साथ मूव करते हैं, वैसे ही मैं समझता हूं कि इसकी मूवमेंट हो रही होगी। और देखो इसने पाकिस्तान को ये कहते हैं सर कि पहले तो हम ऐसा करते नहीं, करते होंगे तो नॉन स्टेट एक्टर्स करते होंगे, स्टेट एक्टर्स के लिए, प्रोमिनेंट स्टेट एक्टर्स के लिए जहां आपने जगह रखी हुई है वहां पर आप इनको पाल रहे हैं और फिर कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।